जेल से रिहा हो सिरसा डेरा प्रमुख की गुफा से गई हनीप्रीत, खुशी में फोड़े गए पटाखे। नमस्कार, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत बुधवार को अम्बाला जेल से निकलने के बाद सीधे सिरसा डेरा सच्चा सौदा पहुंची। वाहनों के काफिले के साथ डेरे में प्रवेश करते डेरा के अनुयायी खुशी से झूम उठे। लोगों ने हनीप्रीत का जोरदार स्वागत किया और खुशी में पटाखे फोड़े गए। हालांकि डेरे ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। डेरे में पहुंचे पर सबसे पहले हनीप्रीत डेरा प्रमुख की गुफा में गई। मिली जानकारी के अनुसार हनीप्रीत रात भर डेरा प्रमुख की गुफा में ही रही। हनीप्रीत को पंचकूला की अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी थी। सिरसा डेरा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को बुधवार को ही पंचकूला कोर्ट से जमानत मिली थी और ऑनलाइन रिहाई का ऑर्डर आते ही जेल से देर शाम रिहाई हो गई थी। हनीप्रीत के परिजन अम्बाला जेल पहुंचे थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी में हनीप्रीत को लेकर निकले थे। हनीप्रीत की सुरक्षा के लिए बड़ा काफिला तो था ही, अम्बाला पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात थे। हनीप्रीत की जमानत की सूचना सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय पहुंचा तो डेरा प्रेमियों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। डेरा प्रेमियों ने इसे इंसाफ की जीत बताया और कहा कि हनीप्रीत को झूठे केस में फंसाया गया था। उनका कहना है कि हनीप्रीत पंचकूला अपना रोष प्रकट करने के लिए गई थी, देशद्रोह करने नहीं। हनीप्रीत को जमानत मिलने के बाद सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में आने की चर्चा पहले से शुरू हो गई थी, जिससे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में हलचल शुरू हो गई थी। उनके पहुंचने के पहले सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में नाम चर्चा शुरू हो गई थी। डेरा प्रेमियों का कहना है कि हनीप्रीत को जमानत देकर कानून ने डेरा प्रेमियों के साथ सम्मान किया है। लोगों ने कहा कि अब उन्हें राम रहीम के बाहर आने की भी पूरी उम्मीद लग रही, क्योंकि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वह सभी झूठे हैं। डेरा प्रेमी निरंजन सिंह प्रेमी और हरपाल सूर्य ने कहा कि हनीप्रीत इंसा को जमानत मिलने से डेरा प्रेमियों को खुशी का माहौल है। उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके गुरु राम रहीम भी जल्द ही रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उन पर सभी केस झूठे हैं।